जेल भेजने और एनकाउंटर का डर इस कदर सता रहा है कि हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव मीडिया के कैमरे को देखते ही गिड़गिड़ाने लगा। हालत यहां तक पहुंच गई कि एक ही सुर में अपनी सारी कहानी बता डाली। मगर इस गिड़गिड़ाहट पर जरा भी पिघलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आरोपी का गुनाह इतना भयानक है कि उसकी माफी नहीं। कहानी यूं है कि इत्र नगरी कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में बीते सोमवार की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी। तब मुन्ना यादव और उसके बेटे ने उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग झोंक दी। इसमें एक सिपाही सचिन राठी शहीद हो गया था। फिर पुलिस ने आरोपी मुन्ना यादव पर दबिश दी, जिसमें वो और उसका बेटा दोनों घायल हुए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर जब मुन्ना यादव को जेल भेजा जा रहा था, तब वो जान की भीख मांगता दिखा। खौफ के साए में वो कह रहा था कि ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे और फिर मेरा एनकाउंटर कर देंगे, दिखा देंगे कि आरोपी भाग रहा था इसलिए एनकाउंटर हो गया। साले कुमार दिया है, 22 साल एक जगह बैठे, मैंने आप नहीं मिल पाओ, तुमने आप साथ से बोल नहीं मुझे मिल पाया है भैया, कोई नया नहीं है, कैसे बोली लगी तुमने मारी बात, कैमरा लगे हैं तो सब सामने आइए, कैमरा लगे हमारी एक ही जगह लोकेशन है, 22 साल हुई है मैं एक जगह बैठे, 22 साल तो कोई केस ना है, पहले हमारी लड़ाई थी, पहले हम लड़ाई लड़ते रहे, 22 साल कोई केस नहीं आए कि प्रधान भाई, प्रधान हमारी 4 बार प्रधानी जबरदस्ती छीन ली गई, हमारा तो जय है योगी जैसे न्याय कि हमें न्याय दो जाए, हमें न्याय नहीं मिल पा, हाँ भगो वो दिखा के मारती है हमें जेल में भैया, करवाई दो जाए, छोटे छोटे बच्चा पली है, भाई मारा गया, हमारा बाप मारा गया, हमारा चाचा भी लेकर मारा गया, मुन्ना यादव ने जिस सिपाही सचिन राठी पर गोली चलाई, उसकी 5 फरवरी को शादी होनी थी। हमले में सिपाही की जांग पर गोली लगी और वो बुरी तरह घायल हुआ। फिर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहां सचिन राठी की मंगेतर के आंसू सबकी आंखें नम कर गए, तो वहीं जवानों ने भीगी पलकों के साथ अपने साथी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पुलिस हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची थी, मगर कन्नौज के खूंखार बदमाश मुन्ना यादव के एनकाउंटर ने बिकरू कांड की घटना की याद ताजा कर दी। बिकरू कांड में जिस तरह वारदात से पहले पुलिस बेखबर थी, जबकि बदमाश को पता था कि पुलिस उसके घर आ रही है, ऐसे में बदमाश ने दीवार की ओट लेकर पुलिस पर फायरिंग झोंकी, जिसका नतीजा ये निकला कि एक सिपाही की मौत हो गई। अब इस अपराधी के अवैध मकान और संपत्ति पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। NBT ऑनलाइन के लिए कन्नौज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।